में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो पांच स्थान, वो पांच स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांचवें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के तीन भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको, त्रिशूल का जो तीन भाग होता है, उस तीन भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान ये पांचवा स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। तीन महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखी आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो, तो कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार जिसको बहुत शौक। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में गुरुजी से हमने जाना है कि जो कनेर के पुष्प का जो उपाय बताया है, तो कहीं भी मतलब जैसे शिवलिंग के आसपास या शिवलिंग पे ऐसे कहीं कनेर का पुष्प मिल जाए और महादेव एकांत में कहीं बैठे हो, तो आप ये उपाय अवश्य करें, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपको अवश्य फल मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।